बीटीयूपी रिजल्ट, एकेटीयू रिजल्ट। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एकेटीयू रिजल्ट और बीटीयूपी यानी दोनों रिजल्ट के बारे में, कि बीटीयूपी रिजल्ट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। कई सारे छात्र हैं जिनका कई दिनों से वेट था, बल्कि महीनों से इंतजार था। उसके अलावा एकेटीयू के जो छात्र हैं उनका बाकी जो बचा हुआ रिजल्ट वो कब आएगा। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर, इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है आज की पूरी अपडेट। मुस्तफ़ा सर उन्होंने क्या बताया, जैसे बताया था कि सभी रिजल्ट एक साथ आएंगे कल 20 सितंबर 2012 12 बजे, यानी कहने का मतलब 12 बजे दोपहर में 12 से 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। पूर्व में भी 16 के बाद ही बताया था, अभी इसलिए बताया क्योंकि कल सुबह व्यस्त हूँ, ट्विटर पर नहीं आ पाऊँगा और 2 घंटे पहले मैंने बताने वादा किया। अब देखो गाइस, मैं आपको बता दूँ जो मुस्तफ़ा सर बता रहे हैं, यही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपसे बताया था। हालांकि इस चैनल पे नहीं, मैंने ब्राइट ब्रेन 786 जो मेरा चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो। मैं उसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ उसमें अपलोड करने वाला हूँ, जॉब से रिलेटेड और उसके अलावा बीटीयूपी एकेटीयू से रिलेटेड। तो आप लोग ब्राइट ब्रेन 786 सर्च करो, यही मेरा चैनल ब्राइट ब्रेन 786, ठीक है, और लास्ट में यन लगाना, यस ब्राइट ब्रेन 786, उसको सब्सक्राइब कर लो। उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होने वाली है, मैं आपको जल्द उसमें वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने उसमें क्या बताया था कि आपका रिजल्ट 16 को आना था, पहले 16 को नहीं आया, तो 17, 18, 19 नहीं बल्कि 20 को आएगा। तो वही अपडेट है, मुस्तफ़ा सर ने आखिर यही बताया है कि जैसे कि सभी रिजल्ट पहले होता था एक साथ आएंगे, यानी कि कहने का मतलब यह 20 सितंबर को सभी कोर्सेज के रिजल्ट आने के चांसेस, वो भी टाइमिंग भी इन्होंने टाइमिंग ड्यूरेशन बता दिया, 12 से 5 दोपहर 12 से 5 बजे तक जो है रिजल्ट आने की चांसेस हैं, क्योंकि 16 सितंबर 16 के बाद ही जैसे इन्होंने बताया था, अब वही बात सच निकल के आ रही है और इन्होंने पहले कहा था बताने को। तो बहरहाल मांग चलिए आपका रिजल्ट बीटीयूपी के बच्चों का कल आ जाएगा सभी कोर्सेज का 12 से 5। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट उस बीच आ जाता है, उससे पहले आता है, या रिजल्ट को लेकर जैसे अनाउंसमेंट होता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं ब्राइट ब्रेन 786 वाले चैनल पर बताऊँ, तो इसलिए दोनों को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब डायरेक्ट आते हैं जो एकेटीयू के बच्चे, एकेटीयू के रिजल्ट को लेकर, तो मैंने अभी दोपहर में वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कि सीओपी का जो रिजल्ट है आ चुका है, क्योंकि हमारे कुछ छात्रों ने कुछ बताया था, उसके अलावा कई सारे छात्रों ने बताया भी है, ठीक है। तो 18 को बहरहाल उनका रिजल्ट आया है, बाकी आप लोग जाके चेक करिए अगर आपका नहीं आया। लेकिन जो छात्र बचे हुए हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि सीओपी का कुछ का बचा है, कुछ छात्रों, कुछ बीटेक हैं, कुछ बी फार्मा के, एमबी एमसीए के स्टूडेंट हैं, किसी का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, यानी जो छात्र सीओपी के बचे हुए उनका रिजल्ट बहरहाल दोस्तों अब बिल्कुल डिले नहीं होगा। मान लीजिए चलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं आया तो हो सकता 2 घंटे बाद आपका रिलीज हो जाए, क्योंकि उसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई जो है डेट नहीं फिक्स होती है सीओपी रिजल्ट को लेकर। सीओपी रिजल्ट का ना ही कोई अनाउंस होता है, कोई न्यूज आता है, बल्कि केवल एकेटीयू वन व्यू पे ही शो होता है। तो आप लोग वन व्यू पे जाकर चेक करिए, अगर मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। मैं फिर बता रहा हूं आपका जो सीयूपी रिजल्ट बचा हुआ है आपका आज और कल, यानी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, और हफ्ता भर से ज्यादा नहीं लगेगा, जितने सारे कोर्सेज सभी का आ जाएगा, लेकिन जहां तक चांस है मैं हफ्ता इसलिए बता रहा हूं ताकि मैक्सिमम टाइम ये बता रहा हूं, मैं वन वीक मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, वन वीक। लेकिन मान के चलिए कि आपका जो बहुत ज्यादा डिले होगा, आज नहीं तो कल सभी बच्चों का नियर अबाउट आ जाएगा। लेकिन जो रेगुलर के बच्चे हैं उनको अभी वेट करना, मैंने पहले बताया था मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ छात्र पूछे थे, तो रेगुलर वाले बच्चों को अभी वेट करना है, कम से कम आपको 27-28 सितंबर तक, उससे पहले तो रिजल्ट आने वाला बहुत नहीं बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको लेकर हो सकता है, क्योंकि बीटीयूपी का कल रिजल्ट आने वाला, हो सकता है एकेटीयू का भी कुछ अनाउंस हो जाए, अगर कोई अनाउंस या फिर न्यूज़ होती है मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। और अगर कोई डॉक्यूमेंट के पूछ सकते हैं दोस्तों, और आप लोग जरूर बताना कि आपका सीओपी रिजल्ट कैसा आया, कितना बना, कोई आपको रिक्वायरमेंट है ग्रेस वगैरह के रूल के बारे में, या फिर आपको ग्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोग चाहे तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मुझे इंस्टाग्राम वगैरह भेज सकते हैं, मैंने रिप्लाई दिया था कई सारे छात्रों का। तो अगर आप लोग भी कोई डाउट है तो मुझे पूछना, मैं अभी रिप्लाई दूंगा रात में, मैं वैसे मोस्टली मॉर्निंग या फिर नाइट में ही रिप्लाई देता हूँ 11-12 बजे के आसपास, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई बहुत इमरजेंसी है, जैसे कोई डाउट है, कोई इमरजेंसी क्वेश्चन, कोई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, तो आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं, वहां से फिर आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मैंने जैसे मेंबरशिप ज्वाइन होंगे तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में वनली मेंबर को ही दिखेगा, 29 वाला भी अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको हेल्प मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जो है बहरहाल ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर हेल्प मैं वैसे भी करता रहूंगा आपके, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपको इमरजेंसी है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम डेट खत्म हो रही है, या फिर आपको बहुत जरूरी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज यू विश, आपकी मर्जी, अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमें कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका रिजल्ट